Good morning, dear students. How are you all? I think you might be fine. Yesterday, we had learned about sovereign, socialist, secular, democratic republic. Now, but we were talking about a constitution. Do you remember who framed our constitution? Yes. Our constitution was framed by Dr. B.R. Ambedkar. Now, Bache, you should be remembering, ideas of constitution are shown briefly in a preamble. आपको पता है ना, हर एक चीज़ का एक shortcut होता है. इसी तरह से हमारी constitution का भी एक shortcut है. And what is the name of that shortcut? What do you call it? You call it preamble. The preamble is an introductory part of Indian constitution which states the reasons for an intent of a law of our country. तो preamble हमारी country का जो constitution है उसका एक introductory part है और उसमें बताया गया है कि why we have to be sovereign, why we have to be socialist, why we have to be secular, why we have to be a democratic republic. I'll just come to this preamble again with a new slide. But before that, let me start with the fundamental rights. See, the fundamental rights are essential human rights that are offered to every citizen, irrespective of caste, race, place of birth, religion or gender. आपको पता है ना, आपको भी आपके parents कुछ rights देते हैं. आप उनके आगे बोल सकते हो, उनको अपनी feelings express कर सकते हो. आप इसी तरह से हमारी country भी कुछ rights अपने लोगों को देती है. हमारी country कहती है कि constitution के अंदर ये लिखा हुआ है कि all the humans, चाहे वो किसी भी religion को यहाँ पर practice करें, चाहे वो Sikh है, चाहे वो Muslim है, चाहे Zoroastrian है, चाहे वो कुछ भी है, हिंदू है, चाहे उसकी कोई भी place of birth हो, चाहे उसका वो मेल है, फीमेल है, कुछ भी हो, चाहे वो हाई कास्ट का है, चाहे वो लो कास्ट का है, उसको कुछ राइट्स मिलने चाहिए. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन दी सर्टन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स. एंड इफ़ एनीवन फील्स दैट हिज और हर राइट्स हैव बीन डिनाइड, कि उसकी जो राइट्स हैं वो अगर डिनाइड हो रही हैं, देन ही कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ. तब वो लॉ के लिए, मतलब टू द सुप्रीम कोर्ट या कोई और कोर्ट के अंदर जा सकता है. जैसे कि सबसे पहले तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, अगर वहाँ पर नहीं बात बनती है तो वी गो टू द हाई कोर्ट, फाइनली वी गो टू अ सुप्रीम कोर्ट. अगर आपको लगता है कि आपको कोई सही ढंग से अपनी राइट्स को फॉलो नहीं करने दे रहा है, देन यू कैन गो टू द कोर्ट अगेंस्ट दैट पर्सन. Now, dear students, I was talking about the fundamental rights. So, let's see, there are the six fundamental rights जो कि हमारी constitution ने अपने people को दिया है, अपनी masses को दिया है, सारे citizens जो India में रहते हैं उनको दिया है. First is right to equality. Equality का मतलब कि हर कोई equal है, कोई rich नहीं, कोई poor नहीं, हमें हर किसी को equal opportunities देनी चाहिए. Next is right to the freedom of speech. We can voice our opinion without fear. हमें जो लगता है कि सही है, हमें जो लगता है गलत है, हमें उसको बोल देना चाहिए. कोई आपको बोलने से स्टॉप नहीं कर सकता. Next is right to follow any religion. अगर आप हिंदुइज़्म को अपनाना चाहते हो, आप हिंदुइज़्म को फॉलो करें. अगर आप सिखिज़्म को फॉलो करना चाहते हो, आप सिखिज़्म को फॉलो करो. अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना चाहते हो, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करें. कोई भी आपको अपना रिलीजन फॉलो करने से रोक नहीं सकता है. नेक्स्ट इज़ राइट टू जस्टिस. येस, देयर शुड बी अ राइट टू जस्टिस. मतलब जस्टिस इन अ सोशल, इकोनॉमिक और पोलिटिकल. मतलब किसी के साथ हमें अनलॉफुल नहीं होना है, गलत नहीं करना है, हर किसी को उसका राइट ड्यू मिलना चाहिए, सोशली भी, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी. राइट, लेट्स सी द राइट टू लिव एंड ट्रेवल एनीवेयर इन द कंट्री. आप लोग कंट्री में कहीं पे भी रहना चाहते हो, कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो. ये फ्रीडम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को दी है. लास्ट इज़ द राइट टू चूज़ एनी प्रोफेशन. कोई आपको रोक नहीं सकता कि यू हैव टू बी अ ज्वेलर,
कोई रोकेगा नहीं, नहीं आप तो झूलर नहीं बन सकते। आपने पॉलिटिशियन बनना है, कोई आपको रोकेगा नहीं कि आप पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। अगर आप लोगों ने प्रोफेसर बनना है, कोई भी नहीं रोकेगा। वॉट एवर प्रोफेशन यू लाइक, यू कैन ज्वाइन दैट प्रोफेशन। सो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे को मिली हैं फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चे यू शुड नो वन थिंग, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो रिलीजन डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। जहाँ पे गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा है कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करना है। इंडिया के अंदर कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। दैट्स वाई वी कॉल इंडिया अ सेक्युलर कंट्री, राइट? वी कैन प्रे टू गॉड बाय प्रैक्टिसिंग एनी रिलीजन। Our country gives us this freedom. So, dear students, we can follow any religion in our country. This makes India a secular state. You should remember that. Dear student, now we people are going to talk about the preamble. Now, bache, what is a preamble? मैंने आपको बताया था, the shortcut of our constitution, जिसमें हमारे constitution के सारे ideas listed हैं, is known as our preamble. सबसे पहले जब आप प्रीएम्बल को देखते हो, दिस इज़ अ ओरिजिनल पिक्चर आई एम शोइंग इट टू यू। इट इज़ वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉल्मिनली रिवॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। इस लाइन का क्या मतलब है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग ये रिजॉल्व करते हैं कि हमारी जो एक कंट्री होगी वो सॉवरेन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमारे नेशन में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको दी जाएंगी। कौन सी फैसिलिटीज़? लेट्स सी। जस्टिस, जस्टिस का मतलब बिल्कुल हर किसी के लिए सही डिसीजंस, हर किसी को अपना राइट शेयर मिलना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो सोशल फ्रंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, या चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट हो। लिबर्टी, देयर शुड बी द लिबर्टी ऑफ थॉट। आप फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस करना कर सकते हो, तभी तो ये फंडामेंटल राइट हमें दे रखा है। इट इज़ लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशंस को बता सकते हो। बिलीफ, फेथ, वर्शिप, कहीं पर भी वर्शिप करना चाहो, यू आर लिबरल टू डू दैट। तभी तो हम कहते हैं ना, इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हर किसी को ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे तू तो पुअर पर्सन है, हाउ डिड यू बिकम रिच। नो, यू शुड नॉट से दैट। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सी, धीरूभाई अंबानी वॉज ऑल्सो अ वेरी पुअर मैन, बट उसने बहुत मेहनत की उन्होंने, और उन्होंने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप किया, दैट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज़। हम उनको ये थोड़ा ना कह सकते थे, बीइंग अ पुअर मैन आपको इतना ज़्यादा रिचनेस कैसे मिल गई। यस, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो यू कैन रीच टू अ हाई लेवल। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी शुड बी देयर गिवन टू ऑल द पीपल, चाहे वो रिच हैं चाहे वो पुअर हैं। तभी तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आई। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस मीन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन टू ऑल, और इसको हमारे को प्रमोट करना चाहिए। आई वॉज टॉकिंग अबाउट आरटीई ना, तो गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन दी है टू ऑल द पीपल, ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। नेक्स्ट इज फ्रर्टनिटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ अ नेशन। लाइक देयर शुड बी फ्रेटर्निटी इन द नेशन, मतलब यूनिटी होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो दो, अगर सपोज करो कि दो ग्रुप्स हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो इट शुड बी रिजॉल्व्ड प्रॉपरली। देयर शुड बी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ अ नेशन। ऐसा नहीं है हम कहेंगे आप तो मराठी हो आप अलग रहो, हम कहेंगे नहीं आप तो यहाँ पर कोंकणी हो यू शुड स्टे अलग, आप राजस्थानी हो आप अलग। नो, जितनी स्टेट्स हैं देयर शुड बी व्हाट अ बाइंडिंग बिटवीन देम। वंस देयर इज़ अ बाइंडिंग देन ओनली देयर कैन बी व्हाट अ सेक्युलरिज्म इन द कंट्री, देयर कैन बी अ सोवरेनिटी इन द कंट्री। अगर हर कोई पार्ट हमारी कंट्री का आपस में लड़ता रहेगा तो दूसरी जो कंट्रीज हैं वो इसका फ़ायदा उठा लेती हैं, एंड देन दे टेंड टू कंट्रोल अस, राइट? तो ऐसा तो हमने होने नहीं देना है।
तो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी, ये सब हमारे को हेल्प करते हैं टू बी सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, दैट इज 1949, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन. दैट्स व्हाई 1949 में वी एक्चुअली अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन. बट इम्प्लीमेंट कौन से डे पे हुआ था? यस, वी बिकेम अ प्रॉपर रिपब्लिक व्हेन अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26th January 1950. आई होप दिस प्रीएम्बल इज क्लियर टू यू. सो ऑलवेज रिमेंबर, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रटर्निटी गिव्स अ वे टू सॉवरेन, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दैट इज इंडिया टुगेदर. थैंक यू.